Hello. Google Summer of Code की बात करते हैं. Google Summer of Code 2020 ऑन है इस वक्त. देखें, स्टूडेंट अप्लाई नाउ का बटन ऑन है और ये तकरीबन 31 मार्च तक चलेगा. तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि Google Summer of Code आपका गेटवे है ओपन सोर्स में, आपका पहला कदम हो सकता है या आप की जॉब में आपका एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है और आप किसी भी पे गूगल का एक थप्पा लग सकता है और आप परचेजिंग पावर पैरिटी की बेस पे 11 लाख पाकिस्तानी रुपए का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और ये कनेक्शन भी बन सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ. तो कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है. इसमें लाजमी ये है कि आप इनरोल्ड स्टूडेंट हों किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के किसी भी प्रोग्राम में. तो होता यह है कि सबसे पहले ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है. बहुत सी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक वीएलसी प्लेयर है, लाइक वीडू है, लाइक पाइथन है, इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्डप्रेस वगैरह. तो वो अप्लाई करती हैं, तो वो अपनी आइडियाज़ देती हैं स्टूडेंट पे, अपने प्रपोजल्स देते हैं, ठीक है. मेंटर से बात करती हैं, मेंटर्स जो उन्हें गाइड करते हैं कि कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है, और ये सारा सर्कल चलता है. तो आप इसकी वेबसाइट खोलें, ठीक है. ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं उधर, ठीक है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोल लें, ठीक है. उस ऑर्गेनाइजेशन का आगे आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी टॉपिक आपके रेलिवेंट हैं या कौन सी टेक्नोलॉजीज आपके रेलिवेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो आप ये कैसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, इसके आइडिया पेज देख सकते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ हैं, ठीक है. इनके साथ चैट कर सकते हैं, मेलिंग लिस्ट है, कॉन्टेक्ट ईमेल है. तो काफ़ी मज़े का प्रोग्राम है, ठीक है. मैं 2 दफ़ा क्रैक किया, मेरा अभी भी दिल कर रहा है, हर दफ़ा दिल कर रहा होता है, लेकिन इसकी अचीवमेंट है कि आप सिर्फ 2 दफ़ा क्रैक करते हैं. नहीं तो हर साल बंदा करे एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम, तो लाजमी पार्टिसिपेट करें. और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा लिखा भी हुआ है और वीडियोज़ भी हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क पे पड़े हुए हैं, मेरे टाइम लाइन पर पड़े हुए हैं. तो लाजमी आप देखें, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट करें. थैंक यू.